निसार अहमद खान 1992 में बॉर्डर क्रॉस कर गए और 20 साल तक पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिंदगी बसर की। बहरहाल 92 में मैं वहाँ गया, 2-3 महीने वहाँ रहा, ज़्यादा अरसा नहीं रहा हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से कराची चला गया था। कराची में मैंने फिर ये टेलरिंग का काम सीखा, ये गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स का, तो वहाँ मैंने काम सीखा। तो थोड़ा फिर मैंने वहाँ खुद से स्टार्ट किया ये काम, यानी कि पहले शुरू में मैंने 1-2 कारीगर साथ रखे, तो ऐसे चलता गया, बढ़ता गया काम, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। और तकरीबन 96 में मैंने फिर वहाँ से शादी की कराची से, वो भी असल में कश्मीरी हैं, वो भी यहाँ के, वो पार्टीशन में गए थे उधर, तो उनसे मेरी शादी हुई है, आसिया हसन बाबा से। उनसे मेरे 4 बच्चे हैं। ज़िंदगी गुजर रही थी अच्छी, हस्ती खेलती, मैं काम भी अच्छा कर रहा था वहाँ पे, मतलब कमा भी रहा था, और मुझे रेफ्यूजी फंड्स भी मैं वहाँ मुहैया था। इसी दौरान 2010 में यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था ये J&K के, कश्मीर के, कि जो वहाँ यहाँ सरहद पार करके गए हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उनको वेलकम है। तो जो गवर्नमेंट की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, तो आपको क्या बताया गया था उस टाइम कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कैसे आए? नहीं, बकायदा उसमें जो अनाउंसमेंट थी उसमें कहा गया कि हम उनको, मतलब एक तो कानूनी तौर पर उन्हें तंग नहीं करेंगे, तो ये भी हमें लगा कि चले ये भी हमारे लिए बड़ी सहूलत की बात होगी। और भी कई चीज़ें उन्होंने अनाउंस की थी कि यहाँ तक कि नौकरियों का भी कहा गया। और जाहिर है जब ये रिहैबिलिटेशन कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि काफ़ी मरात मिलेंगी, काफ़ी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन इसका तो बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। यहाँ तक कि अभी तक हमारे केस चल रहे हैं। वे ऑफ नेपाल आए थे तो हम पे यही चार्जशीट लगी है कि हम यहाँ अनलीगल बैठे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला था कि वो नेपाल से आ सकते हैं। जी जी, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, लेकिन हमने फिर भी सोचा कि नहीं, हम लीगल आने की कोशिश करते हैं। तो हमने इंडियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे भी आने से पहले मैं वहाँ पे एम्बेसी गया, इंडियन एम्बेसी, मैंने पासपोर्ट वासपोर्ट वहाँ पे बनाया, तो उसमें भी बड़ी काफ़ी मुश्किलात हुई, किस तरह बनाया, कैसे बनाया, उसमें भी पैसा बहुत लगा, हमें एजेंटों ने पैसा लिया। बहरहाल हमने जैसे तैसे करके पासपोर्ट बनाया, तो इंडियन एम्बेसी गए वहाँ पर। वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब थे उनसे जब हमने बात की कि भाई इस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है 2010 में, तो हम भी अब अपने घर वापस जाना चाहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे हमें साफ बोला कि भाई आप, आपके लिए हमें यहाँ से नहीं दे सकते आपको वीज़ा। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं दे सकते, बोला आप यहाँ से नहीं जा सकते, हमने आपके लिए नेपाल का रास्ता रखा हुआ है, नेपाल। ऐसे आपने आपने हमें दावत दी, आपने हमें इनविटेशन दिया कि आप आ जाइए वापस, और फिर अब ये कहते हैं आप अनलीगल आए हैं। मतलब ये कॉल और फॉल में, इन कहने में और करने में तजाद है। अब जो DC पुलवामा ने आपको वो जमीन अलॉट की थी 5 मरला जी, तो वो आपको कब्जे में नहीं लेने दे रहे हैं? नहीं। क्या वजूहत है उसकी? बस उनका अपना वहाँ पे कब्जा है, इसी वजह से। एक तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स। निसार अहमद और उसकी फैमिली पिछले 4 साल से जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उनका मसला आज तक सालू नहीं हो पाया। नाजरीन, आप DC पुलवामा मिस्टर गुलाम अहमद डार के फ़ोन नंबर 9419150994 पर कॉल करके उन्हें इस मसले से वाकिफ कराएं, और इसके साथ साथ उन्हें ये भी याद दिलाने की कोशिश करें कि निसार अहमद के जैसे कई और लोग भी हैं,
और उन्हें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के अंडर रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि निसार अहमद और उनके जैसे लोग हमारी सोसाइटी में अच्छे से ज़िंदगी बसर करें। पुलवामा कश्मीर से मैं हूँ रईस, कश्मीर अनहड़ के लिए।